2021 का आखिरी प्रोग्राम ब्रेन बस्ट विद डॉक्टर शारदा लेकर मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपका 2021 जितना अच्छा गया है, आने वाला साल उससे भी अच्छा बीते। सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ फॉर 2022 और आस करता हूँ कि आने वाला टाइम जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा पीसफुल, कोरोना वायरस से दूर और बीमारियां भी जो हैं उनसे भी दूर, और हिंदुस्तान में जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉप पर है उससे इजाद मिले हमारे नौजवानों को और उनको जॉब्स मिले, इस इच्छा के साथ और इस इन व्यूज़ के साथ मैं आप सबका करता हूँ स्वागत। आज मैं बहुत लकी हूँ, एक बहुत नौजवान कांग्रेस लीडर जो कि बिंदहा टीवी प्रोग्राम पे आपने उनको देखा होगा हिंदुस्तान में, जी अनुज एत्रे जी हमारे साथ हैं। पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और एक भरपूर आवाज़ के मालक मिस्टर ए के मिश्रा विद नॉलेज एंड वॉयस टुगेदर, वो भी आज हमारे मेहमान हैं। सर आओ सबसे पहले दोनों का स्वागत करते हैं। ए के जी पहले तो आपका स्वागत, आप थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे दर्शक भी एकदम स्वस्थ होंगे। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके दर्शकों को मेरे तरफ से आने वाले नए साल की शुभकामनाएं। अनुज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, पहली बार आपके साथ बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर लुकिंग ग्रेट, होपफुली वी विल हैव ए वंडरफुल टॉक फॉर वन आवर। इट इज एन प्लेजर टू बी विद यू डॉक्टर शारदा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में बैठ करके, मिश्रा जी ने आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया, मिश्रा जी का भी धन्यवाद। अनुज जी स्टार्ट पहले आपसे करते हैं, माफ करना, आज 135 साल की पुरानी पार्टी कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, कई टीवीओं पर जाते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस का इतना दिवाला निकल चुका हुआ है कि पिछले 29 साल से एक ही प्रधान चली आ रही हैं, और जो कांग्रेस पार्टी को इस वक्त चला रहे हैं राहुल जी, हाँ जी, उनके पास ना तो उन्होंने कोई अपनी कोई पोजीशन बनाई हुई है, दुनिया में एक अकेला शख्स राहुल गांधी है जिसके पास कोई भी ऑफिशियल टाइटल नहीं है, बट स्टिल दे आर रनिंग द पार्टी, इसके बारे में पहले तो आप हमें जवाब दीजिए। नहीं देखिए, मुझे आपका सवाल थोड़ा सा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ना मैं ना कोई भी कांग्रेसमैन और ना इस देश की जनता। आपने कहा 29 सालों से कांग्रेस के पास दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अध्यक्ष के लिए बहुत से लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष की सीट को संभाल सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दे सकते हैं, लेकिन उन तमाम सीनियर लीडर्स ने ही सोनिया जी को से आग्रह करके उनको बार बार इस दायित्व को संभालने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए उनको आगे बढ़ाया। और ये ऐसा पद नहीं है, कांग्रेस में एक इंटरनल डेमोक्रेसी चलती है हम लोगों के, हम लोग चुनाव आयोग से संबंधित पार्टी है, और जो भी जितनी बार भी सोनिया जी का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है, उनका नॉमिनेशन नहीं हुआ है, बाकायदा वोटिंग हुई है, चुनाव हुई है, उनके सामने कई लीडर्स जो है, बड़े बड़े लीडर्स ने चुनाव भी लड़ा है, उसके बाद उनका पद के लिए मनोनयन हुआ है, और अभी भी जो वो एक कार्यवाहिक अध्यक्ष के रूप में, एक एंटरिम अध्यक्ष के रूप में अगर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, जिस तरह से राहुल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था लोकसभा के चुनाव के बाद, और राहुल गांधी जी ने तो बार बार पार्टी के सीनियर नेताओं से आग्रह किया, जो कांग्रेस की हमारी शीर्ष बॉडी है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सेंट्रल वर्किंग बॉडी के CWC है, उनके तमाम लीडर से आग्रह किया कि आप किसी लीडरशिप को तैयार कीजिए, आप लोग आए आगे, कोई भी संभाले, लेकिन सब लोगों ने, जितने भी पुराने वरिष्ठ नेता हैं या हमारे यूथ लीडर्स हैं, सब लोगों की इच्छा ये थी कि राहुल जी संभाले, लेकिन राहुल जी ने अभी अपनी जब से अनिच्छा जगाई है, तो सबका यही था कि मौजूदा हालात में जिस तरह से देश के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और ये इनके RSS की विचारधारा के लोगों का एक देश की सत्ता पे काबिज होकर के बैठे हैं, सत्ता को हत्या करके बैठे हैं, उनसे कहीं ना कहीं सोनिया जी का उनका अनुभव, सोनिया जी का नेतृत्व क्षमता और सोनिया जी की काबिलियत ही इस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि उनका पार्टी को लीड करना। इसी के बाद उन्होंने जो है CWC के लीडर्स की जो है आग्रह को स्वीकारते हुए
एक एंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारी दोबारा संभालने का एक उसके लिए तैयार हुए, लेकिन अब प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है, हमारा इंटरनल प्रोसेस बड़ा लंबा होता है और उसका आपको शायद जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का नए अध्यक्ष के लिए जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके लिए सबसे पहले लोकल हमारे ब्लॉक स्तर से चुनाव होते हैं, पहले ब्लॉक के होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन होंगे, उसके बाद फिर स्टेट लेवल के इलेक्शन होंगे, स्टेट प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन होंगे, फिर वहां डेलीगेट्स का नॉमिनेशन होता है और उसके बाद AICC के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, जिसके सारी इलेक्शन की प्रोसेस सामने आ चुकी है और अप्रैल मई में जाकर के हमको AICC का नया प्रेसिडेंट, फुल टाइम प्रेसिडेंट विद ड्यू वोटिंग, विद प्रॉपर वोटिंग, विद प्रॉपर इलेक्शन सिस्टम, उसके साथ आपको नया प्रेसिडेंट कांग्रेस का आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। अनुज जी, मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड अपनी दे दूं। 1957 से मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था जी, और फैमिली जुड़ी हुई थी और मैं कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा जी, ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस का मैं 2 साल प्रेसिडेंट रहा 67-68 में जी, और मैंने बहुत बड़े बड़े फंक्शन किए जिसमें कृष्णा मेनन और अपने राधा कृष्ण जी और बड़े बड़े लीडरों को बुलाया अपनी लाइफ में। मेरी फैमिली जो है इनलाज की तरफ से है जी, वो कांग्रेस के प्रधान भी रहे हैं, स्टेटों के मिनिस्टर्स भी रहे हैं। ये बात नहीं कि मुझे कांग्रेस का नहीं कहता, मैं यहाँ पर बैठ के भी कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि आई एम इन टच विद मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन इन दिल्ली के हैं जी जो बड़े बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, वो या मेरे क्लास फेलो रहे हैं और मेरे बहुत क्लास फेलोज जो हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, वो मिनिस्टर भी रहे हैं हरियाणा में भी, पंजाब में भी और जगह पर भी वो रहे हैं। लेकिन इसके एक तरफ, इसको छोड़िए एक तरफ, सवाल मेरा सीधा है। आपने कहा कि प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया देखते मुझे 1952 से मैं देख रहा हूँ कि जो गांधी परिवार है जी, वो उसकी इतनी पकड़ है, या जो कांग्रेस के दूसरे जनरल आदमी हैं वो शायद इस चीज़ से डरते हैं कि हमारे नाम पे हमें शायद वोटें ना मिलें। मैं आपको कुछ ऐसे शख्स गिना सकता हूँ जी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर रह चुके हुए हैं लेकिन वो पंचायत का इलेक्शन नहीं जीत सकते, जैसे अनंत शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से हैं जी, एक गुलाम नबी आज़ाद हैं जब वो भी ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस के आपको पता प्रधान रहे, बाद में नंद शर्मा भी प्रधान बने। तो ये सारे जो शख्सियतें हैं इनकी अपने लोगों के बीच में अपने एरिया में उतनी होंद नहीं है जितनी के होनी चाहिए। इसी तरीके से और बहुत लीडर हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन छोड़िए उस बात को। ये बताइए कि इस वक्त हिंदुस्तान में, इससे पहले कि मैं मिश्रा जी के पास जाऊँ, इस वक्त हिंदुस्तान में आपने भी, आपको भी पता मुझे भी पता है कि जो सिचुएशन है जी, और उस सिचुएशन में बताइए कि आज जो 5 स्टेट्स हैं जिनमें इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ पर आपको कांग्रेस कैसे नज़र आ रही है? देखिए शारदा जी, मैं पहले आपका जो आपने विषय उठाया है ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट को लेकर के आपने प्रश्न उठाया, देखिए मेरे को जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप तो कांग्रेस के परिवार से पुराना नाता रहा है और उस जमाने में आपने कांग्रेस को स्टूडेंट लाइफ से आपने कांग्रेस को देखा है, एक नेतृत्व भी दिया है और अब आपकी उम्र काफी हो रही है लेकिन अभी भी आपको, तो मुझे जरूरत नहीं है आपको कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना कांग्रेस के, लेकिन मैं फिर भी आपको या आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए अभी तक कांग्रेस के, जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है, हमारे 61 कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स अभी तक बन चुके हैं। और जो लोग बार बार ये नेहरू गांधी परिवार को, परिवारवाद का जो सवाल उठाते हैं, तो अभी तक केवल 6 लीडर्स ऐसे हैं जो नेहरू और गांधी फैमिली से आए, 61 में से, बाकी तो 55 आप देखिए ना, नॉन गांधी नॉन नेहरू फैमिली से हैं। तो ये कहना बात गलत है, ये अलग बात है, ये इनकी कहीं ना कहीं हमें लीडरशिप स्किल्स कहनी पड़ेगी, इनका एक ऑरा कहना पड़ेगा, कैरिस्मेटिक ऑरा कहना पड़ेगा, जिसको कांग्रेस के लीडर्स ने एक्सेप्ट किया और उनको एक, ये अलग बात है कि उनको एक लंबे ड्यूरेशन के लिए उनके पास ये पोस्ट है। देखिए यहाँ कोई राजशाही नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वे में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो या स्टेट का
प्रेसिडेंट हो या डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हो या ब्लॉक का हो, प्रॉपर एक इलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद इलेक्शन होता है, उसके बाद जो भी उस पोस्ट पर जिम्मेदारी दी जाती होती है। और आप अगर अच्छा काम करेंगे और पार्टी की जिम्मेदारी अच्छे से संभालेंगे तो निश्चित तौर पर वर्कर भी आपको चाहेंगे और लीडर्स भी आपको चाहेंगे। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, उससे पहले सोनिया जी से पहले जो प्रेसिडेंट रहे केसरी साहब नहीं उतने कामयाब हो पाए, तो देखिए उनको उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाए, नहीं कंटिन्यू किया। राव साहब थे वो नहीं कंटिन्यू कर पाए आगे। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही कुछ पार्टी को लगता है, पार्टी किसी एक उस चीज से बंध के नहीं चलते, तमाम सीनियर वरिष्ठ लीडर रहे और आगे आने वाले हमारे जो यूथ ब्रिगेड है वो भी करिस्मेटिक लीडर्स हैं, तो सब लोग पार्टी का भला बुरा जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं लोग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पीछे बीते 7 वर्षों से हम लोग जो 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद कई चुनाव हम लोग हार गए, और हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी या अन्य एक दो पार्टी जो और रीजनल पार्टी जिन्हें कह सकते हैं, आज वो मीडिया में मैनेजमेंट करके, मीडिया मैनेजमेंट से उन्होंने किस तरह का हाइप क्रिएट किया हुआ है कि ना जाने उनके अलावा देश चल नहीं सकता, और कांग्रेस पार्टी को इस देश से उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए प्रकृति ही, प्रकृति का नियम परिवर्तन है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन आता है और परिवर्तन आ रहा है। अब ये 5 स्टेट्स के इलेक्शन का जो आपने सवाल पूछा है तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इस समय सब लोगों की निगाहें इन 5 स्टेट्स के इलेक्शन पर हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश इस देश में अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही जो है इस देश की सत्ता का रास्ता भी जो है निकल करके जाता है, लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता होकर के जाता है। तो उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं कि जिनके चुनाव के ऊपर सबकी नजरें लगी हुई हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम अगर उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें तो 3 दशकों से 1992 से कांग्रेस पार्टी वहां पर हम लोग पावर में नहीं रहे। 1992 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने वहां पर इलेक्शन में अपने सरकार नहीं बनाई इलेक्शन के बाद से। तो इन 3 डिकेड्स में 5 बार भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही है, 5 बार बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट रही है और 4 बार समाजवादी पार्टी। इन तीनों दलों ने मिलकर के बदल बदल करके जनता ने इनको मौका दिया, इनकी कॉलिशन में गवर्नमेंट्स बनाई, सिंगल लार्जेस्ट मैंडेट देकर के इनको पूरा मैंडेट देकर के इनकी गवर्नमेंट बनाई। पिछले 3 इलेक्शन हम देखें, अगर बीजेपी को इस बार फुल मैंडेट से गवर्नमेंट बनाई, किसी के सपोर्ट की नहीं जरूरत थी। उससे पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनको भी पूरा मैंडेट था। उससे पहले मायावती जी थी, उनको भी पूरा मैंडेट था। तो बीते 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज अब एक नया मिजाज निकल के आया। वो कोलिशन की गवर्नमेंट नहीं पसंद कर रहे, वो इसको भी मैंडेट दे रहे हैं, भरपूर मैंडेट दे रहे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 325 सीटें आ जाएंगी, या उससे पहले समाजवादी पार्टी की, या उससे पहले मायावती जी की इतनी सीटें आ जाएंगी। उसी प्रकार से जब उत्तर प्रदेश में अब एक अंडरकरंट चल रहा है, प्रियंका जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लीड कर रही है, उत्तर प्रदेश और इस देश की आधी आबादी हमारी जो है महिलाओं की है, और उस आधी आबादी को लेकर के प्रियंका जी ने एक जो मुहिम चलाई है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रताड़ना अगर किसी की हुई है तो हमारी महिलाओं की हुई है, उत्तर प्रदेश में हमारी माताओं बहनों की हुई है। ये किसी से नहीं छुपा कि किस तरह से, न केवल इस 2017 के बाद से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बीते 30 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, हम देखें उठा करके देखें तो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के नाम पर किस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ है, किस तरह से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, चाहे रेप के मामले हों, चाहे छेड़खानी के मामले हों, या और भी हत्याओं के मामले हों, तो ये एनसीआरबी का डेटा बताता है कि लगातार बढ़ा है। और इस सरकार में तो बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ है, ऐसे ऐसे देखिए ये तो लगातार रेप केसेस तो लगातार होते रहते हैं। जो अनुज जी, मैं जरा मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा जी, फिर आपके पास आऊंगा। मिश्रा जी, अनुज जी शायद थोड़े से नाराज हो गए, क्योंकि अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो हमें नॉलेज कैसे आएगी। सवाल पूछूंगा, देखिए सवाल पूछूंगा तो सारी हिस्ट्री पता लगी ना हमें, जी सवाल नहीं पूछूंगा तो हिस्ट्री कैसे पता लगेगी, दैट्स नंबर वन। बिल्कुल नाराज नहीं है। नंबर टू, इन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट हैं सवाए 7 के, बाकी सारे के सारे प्रेसिडेंट जो हैं वो प्री इंडिपेंडेंस 1947 से पहले की वो बात कर रहे हैं। मैं 1947 के
बाद की बात कर रहा हूँ, ये ठीक है उसमें भी यूएन देवर जैसे, और तब प्रेसिडेंट जब नेहरू थे तब वो प्रेसिडेंट हर साल नया बनाया करते थे, हैं एक साल या दो साल के लिए। मैं मुझे याद है अमृतसर में 1956 में, मैं अनु जी को बताऊं 1956 में बहुत बड़ा सम्मेलन होता है हर साल जब ये प्रेसिडेंट चुनते हैं, तो वहाँ पर सम्मेलन था और मैं आर्या स्कूल लुधियाने का बैंड हमारा फर्स्ट होता था, वो मैं बैंड में गया था। आई वॉज नॉट इवन 10 ईयर्स ओल्ड जी, आई वॉज एट दैट टाइम 14 ईयर्स ओल्ड। तो हम बैंड लेके गए थे वहाँ पर अमृतसर लुधियाना से, और कांग्रेस का जो जुलूस निकलता था जिसमें यूएन ढेबर साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हिस्ट्री पता है, लेकिन हम बात करते हैं वो एरा जो एरा गांधी इंदिरा गांधी के बाद से शुरू हुआ और आज तक। खैर एनीवे, वो स्टिल विश देम ऑल द बेस्ट। आपने बात की यूपी की कि वहाँ पर प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं, देर इज़ नो शॉक, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अफसोस यही है कि जो हमारे लीडर हैं राहुल जी या प्रियंका जी, ये जब इलेक्शन है अब तो काम कर देंगे, बाद में भी इनको अगर ये कर, मैं समझता हूँ प्रियंका में एक ऐसी कैपेसिटी है, अगर वो बाद में भी इसी दम के साथ इसी जोश के साथ काम करती रहें तो आने वाले 5-7 साल में शी कैन बिकम परहैप्स इवन द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। इस वक्त के जो हालात हैं मिश्रा जी, 403 सीटों में जितने भी मैं देखता हूँ, स्वाय एक देशबंधु डीबी टीवी को छोड़कर जितने भी मैं देखता हूँ बाकी के चैनल, कोई 10-12 चैनल मैं देखता हूँ और उनके सर्वे देखता हूँ, अखबारों के सर्वे देखता हूँ, मैं 6 अखबारें रोज़ हिंदुस्तान की पढ़ता हूँ, उसमें कोई भी सर्वे 20 और 25 से ज़्यादा सीटें नहीं दे रहा कांग्रेस को, बल्कि उल्टा ये कहा जा रहा है कि यूपी में जो कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है वो अखिलेश यादव को हराने में लगी हुई है। पर मैं, मेरी यहाँ पर थ्योरी अलग है, मैं समझता हूँ कि जितनी लेडीज़ की वोटें प्रियंका गांधी जी खींच के लेके जाएंगी उतना नुकसान बीजेपी को होगा, अखिलेश यादव को नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बातें सही हैं और जो सर्वे निकला है, क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मैं, चलिए पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूँ सारी पार्टियों के लीडरशिप जो इस वक्त चुनाव मैदान में है सब अपने आप में बहुत योग्य है। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिकल अप्रोच नहीं लूंगा, उनके पास्ट में नहीं जाऊंगा, सब अपने आप में बहुत योग्य है। लेकिन जो ये इलेक्शन प्रोसेस होता है ना, ये ऐसा नहीं होता है कि आपने रैली की और उसी पर रिजल्ट निकल गया, वो एक प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज स्टेप आपको क्रॉस करते हुए बहुत सारे, हर फेज में कई फेज से आपको गुजरना पड़ता है और हर फेज में आपको परफॉर्मेंस एक्सेलेंस दिखाना पड़ता है। कब तक? जब तक कि वोटिंग ना हो जाए और वोट के रिजल्ट डिक्लेयर्ड ना हो जाए। कांग्रेस के सामने दिक्कत क्या है? ठीक है, चलिए प्रचार के लिए प्रियंका गांधी बहुत अच्छा, उनका चेहरा है, नॉलेज है, 50% पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करती है, तो क्या 50% पॉपुलेशन को मायावती या अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं? वो भी मैदान में कूदेंगी, तो वो 50 / 3 कर दीजिए, इस हिसाब से भी एक सिंपल रेशियो। बीजेपी में भी एक से एक धुरंधर महिलाएं हैं जो लड़की हैं या औरत हैं लेकिन लड़ सकती हैं, ये बोला जा सकता है, उनके यहाँ है, और एक औरत से ही कांग्रेस ने अमेठी की सीट जो है हारी थी, इसको क्रिटिकल वे में मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है जो डिफरेंट फेजेस होते हैं इलेक्शन में, हर फेस को क्रॉस करना, उतनी व्यवस्था कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास जो ग्राउंड लेवल पे है, मैं आपको अपने गांव का बताता हूँ, अपने एरिया में बताता हूँ, मेरे बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे प्राइमरी स्कूल में, तो कांग्रेस को छोड़ के और किसी पार्टी का कहीं कोई नेता आदमी या कार्यकर्ता नहीं मिलता था। आज सिचुएशन जस्ट अपोजिट है कि दूसरी पार्टियों के तो लोग मिल जाएंगे, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, हर चीज, लेकिन कांग्रेस का कोई नहीं मिलेगा, कांग्रेस का नाम लेने वाले भी नहीं मिलेंगे। अगर कहीं कोई कांग्रेस का नेता है तो उसके साथ 4-5 लोग 10 लोग खड़े रहते हैं। कांग्रेस जो एकदम सो गई कुंभकर्ण की नींद में, ये सोच के, अनुज जी ने अभी बोला कि पिछले 20-25 सालों में इन्होंने यूपी में कोई इलेक्शन नहीं जीता, नहीं जीता तो इसके लिए विपक्षियों का दोष नहीं है, आपकी जो पार्टी थी या जो भी हार गई वो उनकी गलती थी, वो उस तरफ से उन्होंने अपना ध्यान हटा लिया, तो उसका खामियाजा अब यहाँ पे भुगतना पड़ता है कि आपकी जो ग्राउंड लेवल की न्यू की ईंटें थी ना, वो न्यू की ईंटों पे अब किसी और का अधिकार हो गया भाई। कार्यकर्ता, वोटर, ये सब तो वही होते हैं ना, वही खानदान है, वो दूसरी पार्टी में चले गए।
अब उनको फिर से रिकलेक्ट करना, जोड़ना, उनके अंदर वो ऊर्जा भरना, पार्टी के लिए निष्ठा भरना, और फिर उनको जो है मोटिवेट करके जो है काम पे लगाना इलेक्शन जीतने के लिए, ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। ये 2 महीने 4 महीने का प्रोसेस नहीं होता है। कांग्रेस एक आई कैचिंग पार्टी तो हो सकती है प्रियंका गांधी जी के कारण, एक जो है ध्यान आकर्षण के लिए तो हो सकती है, उनके भाषण अच्छे हैं, अच्छा बोल रही है, लेकिन अल्टीमेट विजय में परिणति हो, ये इस चीज में बहुत ज्यादा मुझे डाउट लगता है। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि ये तो आपने अपने व्यूज दिए यूपी के बारे में, मैं ये देख रहा हूँ फ्रॉम 1952 ऑनवर्ड्स, 57 से ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ मैं, कि जो इंटरनल फाइट है कांग्रेस की पार्टी में, इंटरनल फाइट जो ओपन में आ जाती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया हर सूबे में। मुझे याद है जब 3 सूबे ये जीते, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पर 3 सूबे जीतने के बावजूद भी हैं जी, राजस्थान से 1 सीट भी नहीं ये जीत सके, यहाँ तक कि गहलोत साहब का बेटा खुद इलेक्शन हार गया। मध्य प्रदेश में 1 सीट जीते, वो भी चीफ मिनिस्टर का लड़का था उस वक़्त, वो जीता है जी। तो मेरा मतलब ये जब तक सीटों में कन्वर्ट नहीं होगा, आप लोकल इलेक्शन तो जीत गए, स्टेट गवर्नमेंट आप जीत गए, लेकिन जब नेशनल लेवल के ऊपर मसला आता है तो लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता कांग्रेस की तरफ, क्यों नहीं जाता कांग्रेस के लीडर इस तरीके से क्यों नहीं काम करते कि वो नेशनल लेवल के ऊपर भी लोग उनको ये कहें कि नहीं भाई आपको 40 सीटें नहीं, हम आपको अगले जो इलेक्शन 2024 में आएगा उसमें 50-60 नहीं बल्कि 150-200 सीटें दिलवाएंगे ताकि आप दोबारा आपकी होंद हो सके। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? खुद कांग्रेस ने ही अपनी इमेज या अपने महत्व को डाइल्यूट किया है। डॉक्टर साहब देखिए, हर पार्टी में ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस में अंदर जो है कलह होती है, आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, बसपा में भी कलह हुई थी तब मायावती, अब इवन बीजेपी में भी आप देखते रहते हैं कि पार्टी में कुछ मनमुटाव हो रहा है, और दुनिया के किसी भी पार्टी में होगा, हर छोटी से छोटी फैमिली में भी अंतर कलह होता है, सवाल होता है उसको मैनेज करने का। आप ये देखिए, इंदिरा गांधी भी तो कांग्रेस में कलह करके अलग करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और उन्होंने उसको मैनेज किया और प्रचंड वोटों से वो जीती। कांग्रेस ने अपने आप को डाइल्यूट कैसे किया? कांग्रेस का एक जो परसेप्शन था कि अगर नेशनल लेवल की कोई पार्टी है इंडिया में तो वो कांग्रेस है, ये परसेप्शन डेवलप था। धीरे धीरे ये श्रिंक करते गए, अपने एरिया को ये छोड़ते गए। अब ये हो सकता है कि भाई बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री खानदान उन्दान ये रहने पे लोग आलसी या आराम तलब हो जाते हैं, उनको महत्व तो नहीं समझ में आया होगा। एक एक स्टेट ये छोड़ते गए, अच्छे से इन्होंने मोर्चेबंदी नहीं की, नई पार्टियां आती गई, फिर नेशनल लेवल के इलेक्शन के लिए इन्होंने अपना परसेप्शन क्या बदला, जो इनका ब्लंडर था कि इन्होंने बहुत सारे रीजनल पार्टियों का एलाइज बनाना शुरू कर दिया, 14-14, 15-15 पार्टियों का एलाइज बना करके, ये यूपीए वगैरह ये सारी चीजें बना करके, तो कांग्रेस ने तो अपने आप को ही छोटा करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया, लोगों का परसेप्शन ये हो गया कि कांग्रेस अकेले पैन इंडिया लेवल पे लड़ने में या मैनेज करने में सक्षम नहीं है बिना एलाइज के, बिना विपक्ष के एलाइज के। तो ये रीजन है कि कांग्रेस प्लस को देखा जाता है, बात जहां होगी पूरे विपक्ष की होगी, और भाजपा ने इसी गैप को फिलअप किया। मैं आपको बताता हूं भाजपा ने क्या किया, इस गैप को पहचाना जो वैक्यूम क्लियर हुआ था, और उन्होंने पैन इंडिया पे अपने आप को विस्तारित करके ये साबित करने की कोशिश की और साबित भी कर दिया कि भाई हम नेशनल लेवल पे अगर कोई पार्टी मैनेज कर सकती है देश को तो वो हम है। और एक बार चुनाव जीतने के बाद इन्होंने उसको मजबूती दी, हर जिले में इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया, अपना कार्यालय बना लिया, यानी कि पैन इंडिया लेवल पे जो मजबूती एक पार्टी को चाहिए हर तरीके से, फिजिकल, मेंटल, आइडियोलॉजिकल, वो सारी चीजें इन्होंने कर ली, भर्तियां शुरू करना और मिस कॉल दे करके भी मेंबर बनाना, उनकी ट्रेनिंग देना, डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स करना, चुनाव हो या ना हो लेकिन 5-5 साल इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, कभी ट्रेनिंग का, कभी ये मिलन का, कभी वो मिलन का, एक्टिवेट करके रखते हैं। मुझे याद है कभी यही चीज आज के 30-35 साल 40 साल पहले जब हम एकदम बचपन में थे तो कांग्रेस में ये हलचल हमेशा दिखती थी, कुछ ना कुछ होता रहता था कांग्रेस में जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। तो ये खुद ही जो है सत्ता से च्युत होकर के 10 जनपद तक अपने घर तक लिमिटेड होते चले गए, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई उसके रीजन चाहे जो रहे हों, लेकिन अगर आप पब्लिक से दूर हट के लिमिटेड होते चले जाएंगे और बैसाखियां लेते चले जाएंगे तो आपका परसेप्शन डैमेज हो गया। अब उस किले को फिर से बनाना बहुत मेहनत, अब देखिए वैक्यूम का
क्रिएट होता है, और या आप कब वैक्यूम क्रिएट कर पाते हैं, सिचुएशन जो है उस क्रिएटेड वैक्यूम को कब आप फिलअप कर पाते हैं, ये दो चीजें हैं। अनुज जी, आपसे इसलिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि हम लेटेस्ट सिचुएशन आपसे जानना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में 29 स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की इस वक्त, यूनियन स्टेट्स को छोड़ दीजिए, 29 स्टेट्स में 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ के इवन रीजनल पार्टी जो हैं वो भी कांग्रेस के साथ किसी किस्म का अलायंस करना इस वक्त पसंद नहीं करती। हाँ जी, हमने देखा यूपी में अखिलेश जी ने मना कर दिया, इवन बिहार में भी नीतीश जी ने हिंट कई बार दिए हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। उधर बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, शरद पवार के साथ खड़ी होकर बॉम्बे में उन्होंने कहा कि अब जो भी होगा अपोजिशन पार्टियों का ग्रुप वो माइनस कांग्रेस होगा, जिसको मैं बिलीव नहीं करता। मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि कांग्रेस के बगैर आप थर्ड फ्रंट बना ही नहीं सकते, कांग्रेस हैज़ टू बी ए पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान का 20% जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन उस 20 को 40-45 पर लेके जाने के लिए, जैसे कि मिश्रा जी ने कहा, बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत मैनेजमेंट की ज़रूरत है, विच इट सीम्स इज लैकिंग, क्योंकि इस वक्त यह सारी की सारी प्लानिंग सिर्फ एक घर में बैठ के होती है। अगर यही प्लानिंग बाहर सब लीडर्स के हाथ में आ जाए और सबको ये कहा जाए कि आप करिए, हैं, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये किस तरीके से 29 स्टेटों में जी आप सोचते हैं कि कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंसी जो उन्होंने कही रीजनल पार्टी, तो अब तो रीजनल पार्टी भी नहीं चाहती। 22 स्टेट्स में मैंने आपको बताया, मेरे पास बकायदा इन ब्लैक एंड वाइट में है कि 22 स्टेट्स में जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी नहीं चाहती हम कांग्रेस के साथ। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस जो है वो आगे बढ़े, लेकिन किस तरीके से, ये जो तरीका प्रेजेंट तरीका है इस तरीके से तो बढ़ती नजर नहीं आती। नहीं देखिए शारदा जी, मुझे लगता है ये गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन की जा रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर के, रीजनल पार्टीज के द्वारा अगर उनकी तरफ से हुई है तो ये एक गलत इंटरप्रिटेशन। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी में हमारा जरूर 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस रहा, लेकिन 2022 के इलेक्शन के लिए तो कभी भी हमारा ये अलायंस 2019 में ही खत्म हो गया था, उनके साथ पार्लियामेंट इलेक्शन में खत्म हो गया था। और 2022 के लिए ये पहले से हमारी राहें अलग थी, वो अपना अलग कैंडिडेट्स के साथ प्रचार कर रहे हैं, उनका अपना अलायंस की तैयारी चल रही है। हमारे को उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के रूप में इस समय एक मजबूत लीडर उनको अगुवाई करने के लिए हमारे सामने है, जो इस समय बहुत मजबूती से कांग्रेस को लीडरशिप दे रही है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की न केवल महिलाएं माताएं बहने बल्कि उत्तर प्रदेश के युवा भी और उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम जनता इस समय उनमें जो है वही इंदिरा जी की छवि देख रही है प्रियंका जी में, और कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ही चाहती है कि कांग्रेस पार्टी इस समय अकेले चुनाव लड़े, सब सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि अलायंस करने से कहीं ना कहीं इन रीजनल पार्टीज को जरूर फायदा हुआ, कांग्रेस पार्टी को इनके साथ अलायंस करने में नुकसान हुआ। दूसरी बात, आपने बिहार में कही नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी के साथ तो हमारा कभी भी अलायंस नहीं रहा, ना कभी उनके साथ वो हमारे अलाई पार्टी रहे, ना हमारे वो कभी हमारे साथ वो कभी उनका साथ कांग्रेस पार्टी उनके साथ कभी गई। शरद पवार जी की बात करी आपने, तो शरद पवार जी ने तो बार बार हमारा उनके साथ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार चल रही है, और राहुल जी के रूप में उन्होंने लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रखा है। जिस तरह से ममता जी मिलकर जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद शिवसेना का भी बयान आया, शरद पवार जी की पार्टी ने भी बोला कि कांग्रेस के बिना जो है देश में भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष की आप कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तो सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को अगर नेशनल लेवल पे हराना है तो कांग्रेस के बिना ये छोटे दल ये कल्पना नहीं कर सकते। ममता जी ठीक है, जरूर इधर उधर थोड़ा सा भागदौड़ कर रही है, क्योंकि अब ये चुनाव जीतने के बाद थोड़ा सा उनका एक मॉरल हाई हो गया है, क्योंकि हालांकि वो अपना खुद इलेक्शन हार गई थी, लेकिन बाद में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपना चुनाव जीती, क्योंकि यूजुअली चीफ मिनिस्टर अपना चुनाव बाय पोल्स कभी हारते नहीं है। तो उसके बाद उनका मनोबल थोड़ा सा हाई हो गया, इसलिए वो इधर उधर जरूर भागदौड़ कर रही है। ठीक है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर दल को अधिकार है अपना विस्तार करने का, अगर वो विस्तार करने के लिए घूम रहे हैं वो स्वतंत्र है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं इस देश में कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में अगर किसी ने देश को अगर मजबूती दी है नेशनल तरीके से,
तो कांग्रेस पार्टी ने दी है, चाहे आजादी के से पहले की लड़ाई को ले लीजिए या आजादी के बाद की जो लड़ाई को हम ले लें, क्योंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था आपको तो मालूम है हमारे देश में सुई तक का निर्माण नहीं होता था, और जब 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं कांग्रेस की सरकार से, जब उनको सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, तो उसके बाद हम सीधा चंद्रमा की तरफ अपना चंद्रयान भेजने के लिए सक्षम थे, तो ये 2014 में एकदम संभव नहीं हुआ था। ये पीछे कांग्रेस की सरकारों ने इस देश में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया था, जिसकी बदौलत हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भी सोच रहे थे, और आज हम चंद्रमा पे अपना यान भी भेजने के लिए हम वहां पर पहुंच सके। लेकिन उसके बाद क्या हालात हुए, जो ये देश को जो मजबूती कांग्रेस ने दी थी उसको किस तरह से तबाह किया गया, आज हालात क्या हो गई, आज देश हमारा कहाँ खड़ा है, हम इकोनॉमिकली कहाँ खड़े हैं, कहाँ देश की महंगाई जो इन्होंने महंगाई डायन बोला था कांग्रेस के जमाने में, आज ये वही महंगाई जो दुगनी चीज में पहुंच गई है। मैं आंकड़े सबके अलग अलग गिनाऊंगा तो समय लग जाएगा, चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात कर लें या खाद्य पदार्थों की बात कर लें, किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इस देश में 100 के पार पेट्रोल पहुंच जाएगा, जो उन्होंने कहा था मैं पैसे की कीमत हम डॉलर के मुकाबले 35 रुपए में लेकर के आ जाएंगे, कहाँ बैठा है, आप तो कनाडा में बैठे हैं, आपको मालूम है कि इंडियन करेंसी की क्या हालत हो रही है। तो कोई इनसे सवाल जवाब करने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम तरह की अपने ये धन बल से और सत्ता के बल से सब लोगों का इन्होंने मुंह दबा रखा है। किस तरह से जो संवैधानिक एजेंसीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से देश में काम करते थे, जिनका स्वरूप कांग्रेस पार्टी ने इंडिपेंडेंट रूप में बनाया था, उनका कैसे उपयोग किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखा दिया है कि अपने पक्ष में पार्टी के पक्ष में किस तरह से उपयोग किया जाता है, अपने विरोधियों को किस तरह से उनका दमन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और तो और जो ये एजेंसीज हैं आपस में इनको लड़वाया जा रहा है, सीबीआई वर्सेस सीबीआई हो रहा है, सीबीआई के अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सड़क पे बैठना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बोलना पड़ा कि इस देश में जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप चल रहा है। तो ये सब पहले किसी ने देखा था? पहले तो ये होता था कि ये सब मजबूत कोर्ट की निष्पक्षता के ऊपर कोई सोच नहीं सकता था, सबको मालूम था कि कोर्ट में अगर कुछ चल रहा है तो बिल्कुल एक पारदर्शी तरीके से चल रहा है, क्योंकि वहां किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। और ये आपने भी देखा होगा वहां बैठ करके, देश की जनता भूली नहीं है कि इन्हीं के जमाने में चार चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोर्ट के बाहर आकर के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जनता की अदालत में जाना पड़ा अदालत को, और कहना पड़ा कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा है, रिजर्व बैंक के गवर्नर को दो दो तीन तीन गवर्नर को इस्तीफे देने पड़े, क्योंकि उनके ऊपर दबाव था कि जो रिजर्व पैसा जो पिछली कांग्रेस के जमाने में जो रिजर्व पैसा इस देश को वो केवल इसलिए जमा रखते थे कि अगर देश में जंग की स्थिति हुई, वॉर लेवल की स्थिति हुई, तो वो पैसा यूज किया जाएगा। उस पैसे को निकालने के लिए इन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर पर बार बार जो दबाव डाला तो उनको इस्तीफे देके जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं छोड़ा। तो ये तो हालात इस सरकार ने, मजबूत सरकार जो अपने आप को कहती है, उन्होंने कर दिया कि ये आपके घर में एक छोटी गुल्लक है, एक छोटा सा पिगी बैंक है, उसको पैसे को कोई नहीं छेड़ता, वो कहते हैं चलो बच्चे के लिए पैसे हम जोड़ रहे हैं शादी के लिए, उसको कोई नहीं छेड़ता चाहे कितने भी क्राइसिस आ जाए, और जब उस गुल्लक को भी घर का मुखिया तोड़ने लग जाए तो सोचिए उस घर के क्या हालात होंगे। वही हालात इस देश में इन्होंने किया है। मिश्रा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी में चेंजेस आती रहती है, डेमोक्रेसी में कभी भी एक पार्टी लगातार जो है वो इतने साल रूल नहीं करती, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंदु जी ने बात की कि हमारा हमने स्ट्रक्चर बना दिया, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया, ये तो गवर्नमेंटें देखिए, जो गवर्नमेंटें पहले आती हैं वो स्ट्रक्चर बनाती हैं, दूसरी गवर्नमेंटें उसमें स्ट्रक्चर को ऐड करती हैं और कुछ और काम करती हैं और लोगों के सामने पेश करती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि बीजेपी में अब एक बहुत अपने आप में ऐसा प्राउड आ गया है? अभी हमने देखा कि यूपी के इलेक्शंस में पहले योगी और मोदी जी के पोस्टर्स इकट्ठे होते थे, दोनों की फ़ोटोज़ होती थी, पिछले 10 दिन से योगी जी की फ़ोटो हटा दी गई, सिर्फ मोदी के नाम पे इलेक्शन, पंजाब में भी जो रैली मोदी साहब करने जा रहे हैं वो सिर्फ मोदी के नाम, मतलब सिर्फ एक इंसान के नाम पर ही आप इलेक्शन कितनी देर तक जीतोगे, अल्टीमेटली वो स्टेल हो जाता है, वो फेस ही स्टेल हो जाता है, वो पर्सनैलिटी स्टेल हो जाती है, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये पार्टी में भी जो थिंकिंग थी, जो प्रोसेस था, हैं वो सिर्फ अब एक आदमी के इर्द गिर्द ही उन्होंने शुरू कर दिया?
आपके इस सवाल का जवाब मेरे मित्र अनुज जी ने अभी दिया था। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही। आपने ये जो बोला कि एक फेस, एक चेहरे की पहचान जो है फीकी पड़ जाती है, अनुज जी ने ही अभी इसका जवाब दिया कि प्रियंका जी की जो है, प्रियंका जी का चेहरा इंदिरा गांधी से मिलता है। सवाल ये होता है कि आप ये देखिए, क्या अब्राहम लिंकन अगर आज जिंदा हो और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाए तो क्या हार जाएंगे? नहीं हारेंगे, जीत जाएंगे। चेहरा होता है फेस की वैल्यू क्रिएट करने का। अगर कांग्रेस के लिए इंदिरा और नेहरू आज भी चेहरा है तो मोदी का भी चेहरा हो सकता है। आज बीजेपी वालों को लग रहा हो कि उनका चेहरा आज भी इफेक्टिव है, इसलिए और या वो जीत के लिए इतने आश्वस्त हो कि अकेले हम इस चेहरे के भरोसे यूपी का चुनाव या पूरे देश का चुनाव लड़ लेंगे। एटलीस्ट जब तक वो हाथ नहीं जलाएंगे या हारेंगे नहीं और रिपीटेड वे में, तब तक तो वो यही मानते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, चेहरे जो है कई, अगर मतलब अनइफेक्टिव चेहरे होते हैं प्रॉपर वे में, उनको जो है अगर उनके काम अच्छे नहीं होते हैं तो उसके चेहरे के कोई महत्व नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी चेहरे ने बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहा हो पॉलिटिकल वे में हर तरीके से, और वो इस चीज को इनकैश कर रहा हो, बता रहा हो, जनता को कन्विंस कर रहा हो सकता है। आप ये देखिए, चेहरे तो हजारों साल तक चलते हैं। महात्मा गांधी का चेहरा आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था, आजादी के टाइम पे था। कांग्रेस के लिए नेहरू जी का चेहरा आज उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था। तो इस लॉजिक को मैं बाई नहीं करता हूँ। कब तक चलेगा ये देखना है। हो सकता है लगातार तीन चार साल, पांच साल, तीन चार पांच बार वो प्रधानमंत्री रहे, कितने दिन तक रहे और हर बार वो जीतते चले जाएं, तो ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी कि इनका चेहरा अभी तक जो है यूजफुल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए, दूसरा जो है चेहरा कैसे लाया जाए, नया चेहरा कैसे तैयार किया जाए, ये सारी पार्टियों में होता है। राहुल गांधी को चेहरा बनाया जा रहा है, प्रियंका गांधी को बनाया जा रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। ये चेहरे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या हो। मिश्रा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपने महात्मा गांधी जी का नाम लिया और फिर मैं अनुज जी के पास आता हूँ। आजकल महात्मा गांधी जी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली हुई है साधु संत ग्रुप में से, यहाँ तक कि उनको एंटी नेशनल भी कहा जा रहा है, और उनको ये भी कहा जा रहा है कि इनकी सब मूर्तियाँ, इनके सारे जितने भी जो कुछ हैं हटा दिया जाए। दूसरी तरफ मोदी जी, जिनके विचारों वाले वो लोग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े जलसे करते हैं, अभी उन्होंने किए जी, दो जलसे किए, दोनों जलसों में बहुत खतरनाक बयान उन्होंने दिए। क्या वजह है कि इनमें हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर कोई एक्शन ले सके? मोदी जी तो बड़े गुणगान करते हैं महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी ने ये कमाल कर दिया, गांधी जी ने ये कर दिया, और उन्हीं के जो समर्थक हैं हैं जी, वो इस किस्म के नारे लगाते हैं, भाई गौडसे का मंत्र बना दो, गौडसे को पूज लो, और महात्मा गांधी जो था वह एंटी नेशनल था, इसको इसका सारे जितने स्मारक हैं उनको ख़त्म कर दो। आप शायद धर्म संसद की बात कर रहे हैं। धर्म संसद बीजेपी का कोई अंग नहीं है, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है। अंग नहीं होता मिश्रा जी, अंग नहीं होता, पर सिंपथी होती है। क्या होती है? सिंपथी, वो सिंपथाइजर्स हैं। नहीं, देखिए सिंपथाइजर, अब इस तरीके से आप देखेंगे तो सारे सनातन वाले मोदी और बीजेपी के, क्योंकि कनेक्शन सनातन का निकल रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी मोदी के विरोध, और मोदी के विरोध में तो ज्यादातर बोलने वाले हिंदू हैं। आप पत्र उसमें देखिए ना, और वो भी सबसे ज्यादा तो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बोला, वो तो ब्राह्मण है, हिंदू है, हमें पता है, हमारी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो वो नहीं है, देखिए उसको, वो बीजेपी के किसी भी सम्मेलन में या बीजेपी या आरएसएस की आइडियोलॉजी या उनसे वो गवर्न नहीं होते हैं। हमें जबरदस्ती उनको सिंपथाइजर नहीं बोलना चाहिए, वो बीजेपी के सिंपथाइजर है। रही बात क्रिटिक्स, तो हर आदमी का होना चाहिए और हुआ है पूरी दुनिया में। ऐसा कोई आदमी महान नहीं बना है जिसने क्रिटिक्स को ना झेला हो, चाहे प्रेजेंट टाइम में चाहे पास्ट टाइम में झेला हो। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा विरोध और क्रिटिक्स तो अंग्रेजों ने ही किया था, फिर उन्होंने लोहा माना, राम का भी हुआ, कृष्ण का भी हुआ। मैं बोलता हूं कि अगर कोई क्रिटिक्स कर रहा है तो उसके लिए क्या दिक्कत है, ठीक है, आप बैठ करके उनसे बात करिए। रही बात एक्शन होने की, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार एक राज्य में है, छत्तीसगढ़ में, उन्होंने जो है एक्शन भी उन्होंने उस पे लिया हुआ है। अब ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, विपक्ष क्यों डरी हुई है? अब हो सकता है इनकी सरकार अगर कांग्रेस की रही होती या किसी और की रही होती जो ये सवाल उठा रहे हैं,
तो वो अच्छे तरीके से लेते, लेकिन चीजें तो यहाँ पे संविधान के हिसाब से चलती हैं। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे राम को और कृष्ण को भी बहुत बुरे शब्द बोले गए हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं, तो मैं किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा देने से, बसरते जो है मैं समझता हूँ कि ऐसी कार्य संविधान ने सबको दिया है क्रिटिक्स करने के लिए, आप क्रिटिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई मैं बुराई नहीं मानता हूँ, वो लॉजिकल होना चाहिए, एक पक्ष उससे सहमत हो सकता है, एक नहीं सहमत हो सकता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। अनुज जी, आपसे ये सवाल है कि महात्मा गांधी जो है ये कहीं बहुत घातक साबित ना हो बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी जो है वो इसके अगेंस्ट भी बयान नहीं देती, और महात्मा गांधी की अगेंस्ट जो मूवमेंट चल रही है इस वक्त, चाहे वो साधु समाज हो, मुझे पता है उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया, उन्होंने दिल्ली में भी किया, हाँ जी, वो जो बोलती हैं उनको भी मैंने आगे भी कई बार सुना है किस तरीके से वो बोलती हैं, हैं जी, मुसलमानों को ख़त्म कर दो, काट दो, ये कर दो, ये इस किस्म के जो भाषण हैं भड़काने वाले हैं, आपको लगता है कि आने वाला टाइम जो है ये हो सकता है कि बीजेपी के लिए खुद बहुत घातक साबित हो? देखिए, बीजेपी के लिए तो निश्चित तौर से घातक साबित होगा ही होगा, होने जा रहा है, लेकिन ये देश के लिए भी अच्छा सिम्टम्स नहीं है, ये देश के हालातों के लिए भी जो है ना, हमारा देश का जो हमारा एक देश गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, और देश हमारा जब देश का संविधान, जब देश आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार ने जो बनवाया था अम्बेडकर साहब से, तो उसमें यही सबसे पहली लाइन थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम लोग सब लोग इस देश में समान नागरिक हैं, सभी समान धर्म के लोगों को समान आदर देने वाले लोग हैं, और खासतौर से अगर मैं अपने हिंदू धर्म की बात करूं तो हम लोग तो वैसे भी बहुत शांति को मानने वाले लोग हैं, और हमारे धर्म में कहीं कोई ऐसा नहीं, जहां तक मेरी जानकारी नहीं है कि ऐसा कहीं नहीं उल्लेख आया कि दूसरे धर्म के लोगों का अनादर करो, या दूसरे धर्म के लोगों को जो उनको उपासकों को उनका किसी तरह का उनका अनादर किया जाए, अपमान किया जाए, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि धर्म की आड़ में जो है सत्ता की आसन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी विफलता, जो सरकार की विफलता है, जो बड़े बड़े वायदे और जो एक शेख चिल्ली वाले हसीन सपने जनता को दिखाए गए थे, वो सपने पूरे तो हो नहीं सकते, सपने सपने ही होते हैं, अब उन सपनों से जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, वो ध्यान धर्म को सामने ला करके ही भटका किया जा सकता है, क्योंकि धर्म और मजहब एक ऐसी चीज है, आप किसी भी देश में चले जाएं, न केवल हमारे देश में, आप विश्व के किसी भी 200 से ऊपर कंट्रीज हैं, कहीं चले जाइए, रिलीजन एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है कि जिसमें हर आदमी कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड होता है और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व पाता है, और आप उनकी धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ कर दीजिए, उसके साथ उनको भड़का दीजिए, तो देखिए या तो एक वर्ग आपके खिलाफ हो जाएगा और एक वर्ग आपके साथ हो जाएगा, तो यही आ कर रहे हैं कि जो मेजोरिटी वर्ग जो है उनको खुश करने के लिए केवल धर्म का नाम लिया जा रहा है, उस वर्ग के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा। आज ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, अगर तो सबसे ज्यादा अगर इस देश में बुरा हाल इनके शासन में हुआ है तो हिंदुओं का हुआ है, आप उठा के देख लीजिए इनकी जितनी भी नीतियां रही, नोटबंदी से जो ये शुरुआत हुए थे तो सबसे ज्यादा नोटबंदी में किसका नुकसान हुआ, आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर मौतें हुई नोटबंदी में किसकी हुई, हिंदुओं की हुई, और ये हिंदुओं के हितैषी बनते हैं, उसके बाद ये जीएसटी लेकर के आए, जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को नोटबंदी के तत्काल बाद ले आए, उससे जो इकोनॉमी हमारी तबाह हुई उसमें किसका नुकसान हुआ, ज्यादातर हिंदुओं का नुकसान हुआ, उनके कारोबार बंद हुए, हिंदुओं के लड़कों की नौकरियां गई, मैं ये नहीं कहता कि और धर्म के लोगों की भी गई है, लेकिन जो ये हिंदुओं के हितैषी बनते हैं सबसे ज्यादा इनकी नीतियों से नुकसान अगर हुआ है तो हिंदुओं का हुआ है। अभी किसान देख लीजिए, किसान आंदोलन अभी हाल में खत्म हुआ है, इनके जो तीन काले कानून लेकर के आए थे, जिस तरह से तानाशाही तरीके से ये कानून को इन्होंने पारित कराया संसद से, उसी तानाशाही तरीके से इन्होंने वापस भी लिए, ना कानून लागू करते हुए कोई चर्चा कराई, ना कानून वापस करते समय कोई चर्चा कराई, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, हमारे हिंदुओं को, भाइयों को भुगतना पड़ा, तो ये किस आधार पर अपने आप को हिंदुओं के समर्थक पार्टी कहती है कि उनके हितैषी पार्टी कहती है, आप केवल जो है भगवान का नाम लेकर के और एक दो मंदिरों का, वो भी हिंदुओं के पैसे से इकट्ठा हुआ, आप मंदिरों के आप उसको पैसे को खर्च रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत बड़े हिंदुओं की हितैषी किस आधार पर बोल सकते हैं, आप या तो बताते कि आपने हिंदुओं के लिए ये काम किया, आपने ना तो मुसलमानों को तो आप नुकसान पहुंचा ही रहे हैं,
और इस देश में कट्टरवादिता फैला रहे हैं, जो कि आपस में आगे जाकर के इस देश का विनाश का काम काल बन सकते हैं। साथ साथ आपने जो है हिंदुओं का भी लाभ नहीं पहुंचा रहे, तो कौन सी नीति है ये, किस नीति पे चल रहे हैं? केवल डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती थी कि फूट डालो और राज करो, उसी के आधार पर ये चल रहे हैं मिश्रा जी। और ये देश के लिए आगे आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आपको मैं याद दिलाना चाहूं कि इन सब ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सक्षम है, चाहे हम विपक्ष में रहें। और बहुत जल्द आपको दिखाई देगा कांग्रेस पार्टी का परचम, कांग्रेस का झंडा प्रदेश के सरकारों में भी जल लहराएगा और इस देश की सत्ता पे भी कांग्रेस का ही नेता और कार्यकर्ता बैठ करके प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा। तब ये सीधे तौर पर सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी, इस देश को फिर वापस मजबूती की राह पर लाया जाएगा। जो गंगा जमनी तहजीब है, जो आपस में प्यार है, जो जहर घोलने का काम किया है इन्होंने समाज में, उसको खत्म करने का काम किया। मिश्रा जी, ये जो महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये यूथ को क्या आने वाले टाइम में सड़कों पर लेके आ सकती है? डॉक्टर साहब, देखिए, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में है तो डेफिनेटली एक न एक टाइम के बाद यूथ या जिनको काम चाहिए होता है, रोजगार चाहिए होता है, वो अपनी डिमांड को जो है डेफिनेटली किसी न किसी वे में रखेंगे। अभी अगर नहीं रख रहे हैं तो वो क्यों नहीं रख रहे हैं, उसके डिस्ट्रैक्शन के कुछ अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उनको इतना फेथ हो कि इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से रिकवर करेगी, हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन सब चीजों के बढ़ने में गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा रोल ना रहा हो, उसके लिए कुछ और फैक्टर है वो जिम्मेदार रहेंगे। रही बात अनएम्प्लॉयमेंट और इसकी, मैं आपको बता दूं, देखिए नॉर्मली इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अगर 20-25 साल का डाटा उठा के देखें, 5.6-5.5% के आसपास होता है। लास्ट 2020 में 7.11% के आसपास गया था, तो उस पे तहलका मच गया। तहलका इसलिए मच गया कि यहाँ की मीडिया भी जो है ना, बहुत मतलब मैं निगेटिव वे में देखूं, उन्होंने ऐसा एक्सेगरेट करके लिखा कि तीनों काल में, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये जो होते हैं, ये पहली बार घटना हुई, इतनी बड़ी घटना कभी हुई नहीं। अब ऐसी इंडिया की इकोनॉमी हो गई है कि भैया अब दोबारा वो रिकवर होगी ही नहीं। मैं हिस्टोरिकल बातें बताता हूँ। उसी टाइम जब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 7.11% था, -24% तक गया है। आप कनाडा, यूएसए में रहते हैं, 2008-2009 का फिगर उठा के देख लीजिएगा डॉक्टर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, जबकि कनाडा में तो पॉपुलेशन केवल 3 करोड़ की है, 3 या 4 करोड़ की, और यूएसए में 35 करोड़ की है। रिसोर्सेज इंडिया, मिश्रा जी, आपसे बातचीत जो है फिर करेंगे। अनुज जी को कहीं बहुत ज़रूरी जाना है, अनुज जी से इजाज़त ले लेते हैं और आपके साथ मैं 5 मिनट बात करूंगा। अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपको कठोर शब्द नज़र आए हों तो उसके मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन अगर मैं ना पूछूं जी एज एन एंकर, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर मुझे जो है ना वो समझ नहीं आएगी कि आज के टाइम में क्या हो रहा है। तो आपने वो समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर। हाँ जी, धन्यवाद। तो आप ये डाटा देख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब इकोनॉमिक फेजेस होते हैं, कई बार बहुत नेगेटिव चला जाता है। मैं बताता हूँ, आजादी के बाद से भी GDP -5% गई है सर यहाँ पे इंडिया में, जबकि उस वक्त कोई कोरोना वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इकोनॉमिक फेजेस होते हैं, कभी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, कभी किसी रीजन से बहुत जो है डी ग्रोथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम उससे ओवरकम नहीं हो पाएंगे और हम इतने निराश हो जाएं कि इस तरीके से एक्सेगरेट करके हीन भावना सब लोगों में भरना शुरू कर दें कि भैया ये तो तबाही हो गई। इसकी बजाय ये बोला जाए कि हम रिकवर कैसे करेंगे, तरीके क्या हो सकते हैं और कितनी तेजी से रिकवर करें। जी डॉक्टर साहब, मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपके सारे परिवार को और हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार फिर हम आने वाले जो वर्ष है जी, कल शुरू हो जाना 2022 है, हिंदुस्तान और दुनिया जो है वो बीमारियों से दूर रहे, हर एक का जीवन जो है वो अच्छा बीते, धन दौलत कहते हैं ना हमारे यहाँ, तो हर बात धन दौलत से होती है, धन दौलत सब सबको मिले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसानियत जो है वो 2022 में ज़्यादा बढ़े, तब ज़्यादा खुशी वाली बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इस साल का आखिरी प्रोग्राम था, ब्रेन बर्स्ट विद डॉक्टर शारदा।
अगले साल फिर 6 तारीख को फ्राइडे वाले दिन आपके सामने हाजिर होंगे। आप इसी तरीके से प्लीज़ रिमेंबर paypal.me जो है उस पर जाके ज़रूर डोनेट किया करें। tagtv.info/donate वहाँ भी जाके ज़रूर किया करें। पेट्रियन पर भी आप कर सकते हैं। आप कहीं भी जाना चाहें जाके डोनेट कर सकते हैं। 2022 को आप इस चैनल को नंबर 1 दुनिया में बनाएं, वो आपकी हेल्प के बगैर नहीं बन सकता। आप लोगों की हेल्प होनी चाहिए, जहाँ पर फाइनेंशियल वहीं पर आप लोग इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर किया करें अपने सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे इसकी ऑडियंस जो है वो बढ़े। जब ऑडियंस बढ़ती है तो और भी मज़ा आता है। आप अभी लाखों लोग इसको देखते हो, मैं चाहता हूँ यही लाखों लोग जो हैं ये मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएं 2022 में। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए वंडरफुल वंडरफुल न्यू ईयर प्लस 2022। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।